कामा रोड पर दिन दहाड़े टेम्पो सवार व्यापारी से लूट। राजस्थान भरतपुर डी कामा रोड स्थित दीदावली गांव के सरकारी स्कूल के पास दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने टेम्पो चालक वकामा के व्यापारी राजेंद्र खंडेवाल के साथ लूट की। वकामा से डीग मेडिकल की दवाई सप्लाई देने आ रहे थे। मोटरसाइकिल बदमाश कामा के व्यापारी के पीछे लगे हुए थे। मौका पाकर दीदावली की सरकारी स्कूल के पास बदमाशों ने मोटरसाइकिल टेम्पो के आगे लगाकर व्यापारी राजेंद्र खंडेवाल की ठोड़ी पर कट्टा लगा दिया और उनको डराकर नगद 80,000 रुपए की लूट कर ले गए। व्यापारी हर गुरुवार को कामा से डीग दवाई सप्लाई देने आता है। सूचना पर मैडीग थाना जाप्ते के डीग सीओ अनिल कुमार मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे। शाम को सूचना मिली थी कि कोई व्यापारी है, उससे कोई 80,000 रुपए छीन के ले गए कुछ दो बाइक सवार। इस सूचना पे मैं मौके पे गया तो वहाँ पे राजकुमार खंडेलवाल नाम का व्यक्ति व्यापारी था, जो अलवर से दवाइयाँ सप्लाई करता है यहाँ पे कामा डी जुरहरा यहाँ पे, वहाँ से वो कलेक्शन लेके अपने टेम्पू से आ रहा था। तो वो और उसका ड्राइवर थे दीदावली से पल्ली तरफ स्कूल के पास में आम रोड पे एक बाइक सवार ने उनको रोका और बाइक पे दो व्यक्ति थे वो इनके बैग छीन के और ले गए। किसी तरह का हथियार वगैरह दिखाया? हाँ, वो बता रहे हैं कि भाई कट्टे का भय दिखा करके और वो छीन के ले गए बैग। इस तरीके की किसी को पॉइंट किया है? नहीं, अभी तो इसमें जांच कर रहे हैं। उसमें बाइक की कुछ पर्टिकुलर चीज़ें उन्होंने बताई है, उसके आधार पर बाइक की पहचान की जा रही है। खबर जगत 24 भरतपुर से अजय कुमार विद्यार्थी की रिपोर्ट।